हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी, एक बार फिर से मसीह यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम धन्यवाद के साथ तेरे पास में आते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्रियजनों, सभी लोग इस समय प्रभु के सिंहासन के सम्मुख में, प्रभु के पास में, प्रभु के निकट में आज हम सभी मसीह भाई बहन जो है उसके पास में, उसके करीब में, आज उसकी हुजूरी में हम सभी लोग आज मेरे प्रियजनों प्रभु के पास में, प्रभु के निकट में आज हम बैठ जाएंगे। सभी लोग इस समय आइए, आज धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आज के सुंदर शाम के बेला के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि न जाने से कितने बेटा और बेटी हैं, ओ न जाने से कितने भाई और बहन हैं मेरे प्रियजनों, आज के इस दिन को देखने नहीं पाया, लेकिन खुदा बाप का धन्यवाद कि प्रभु ने आज आपको और मुझे इस दिन को दिखाया। आइए सभी लोग धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य द्वारा आज सारे बंधन टूटने वाले हैं, आज सारी समस्या हटने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। प्रेमी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु पापा तेरा धन्यवाद, ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो परमेश्वर। आइए सारी बातों में धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आज मेरे प्रियो, उन परिस्थितियों को, उन समस्याओं को, उन दुखों को, उन कष्टों को, उन मुसीबतों को आज प्रभु के सम्मुख में रखो। आज धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ओ री बाबा बारी खांदा रा मा यस 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 यस। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे महान परमेश्वर पिता, आज एक एक बेटा बेटियों के लिए आज प्रार्थना करता हूँ मैं, आज एक एक भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के सामर्थ्य द्वारा, परंतु तेरी अद्भुत आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हर एक भाई और बहन के जीवन में आज वो चंगाई का सामर्थ्य रिलीज होने पाए, ओ चंगाई का सामर्थ्य रिलीज होने पाए। परमेश्वर तेरी आशीष को मांगते हैं, ओ परमेश्वर तेरी सुरक्षा को मांगते हैं, परमेश्वर तेरे हम बड़े बड़े चमत्कारों को मांगते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर तू प्रभु, तू आज दया कर प्रभु, आज तू मेरे परमेश्वर पिता चंगाई को भेज, मेरे प्रभु सामर्थ्य भेज परमेश्वर पिता। आज मेरे प्रिय विश्वास रखो, भरोसा रखो, डरो मत। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के सम्मुख में जितने बेटा बेटी बैठे हैं, जितने भाई बहन बैठे हैं, जितने आज लड़का और लड़की हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु के सम्मुख में बैठे हैं, प्रभु आज कह रहा है आपको और मुझे कह रहा है, आज भरोसा रखो, विश्वास करो, आपकी जिंदगी में परिवर्तन को परमेश्वर देने जा रहा है। प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके परिस्थितियों को बदल देगा, आपकी स्थितियों को सुधार देगा, ना तो बल से, ना तो शक्ति से। यस परमेश्वर, यस 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 यस। हालेलुया हालेलुया। यस पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजा राजा दया कर, राजा दया कर, दया कर, दया कर मेरे महान परमेश्वर पिता। एक एक बेटा बेटा प्रभु आज मैं जानता हूँ पिता, उनके जीवन में जो भी कमी घटी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आज दिक्कत है, जो भी आज मुसीबत है मेरे परमेश्वर, आज हो सकता है वो दर्द में है, हो सकता है वो समस्या में, हो सकता है बीमारी में है, हो सकता है वो दलदल के बीच में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार की समस्या और प्रॉब्लम का जो डटकर वो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हे मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, आज वो प्रभु सचमुच में प्रभु जी आज तुझे पहले स्थान देने पाए। आज वो डरना छोड़ दे, घबराना छोड़ दे, रोना छोड़ दे। आज रो मत, आज गिड़गड़ाओ प्रभु के सम्मुख में, आज प्रभु के सम्मुख में रो। आज रोने से कुछ नहीं होगा, आज इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। आज प्रभु के सम्मुख में सारी बातों को रखो, अपने प्रार्थनाओं को रखो प्रभु के सम्मुख में, प्रार्थनाओं को रखो। प्रभु तुम्हारे साथ है, यीशु तुम्हारे साथ है, यीशु प्रभु आज आपके जीवन में काम करने वाला है, परिस्थितियों को बदलने वाला है, परिस्थितियों को आज अलग करने वाला है। यीशु ऐसे न जाने कितने भाई और बहन है, ओ ऐसे न जाने कितने बेटा और बेटी है प्रभु जी, जो आज तड़प तड़प कर जीवन जी रहे प्रभु, घुट घुट कर जीवन जी रहे पिता। ओ ऐसे न जाने कितने प्रभु दलदल में फंसे हैं प्रभु, ऐसे न जाने कितने पाप में बुराई में फंसे हुए पिता, लेकिन आज है मेरे परमेश्वर तू दया कर पिता। आज प्रभु अपने स्वर्गीय हाथों को बढ़ाकर, अपने लहू लुहान हाथों को बढ़ाकर आज मेरे प्रभु कोई भी कमी घटी ना होने पाए, और उनके जीवन में प्रभु मैं चाहता हूँ पिता हर बेदारी को, हर प्रार्थना को, हर प्रभु जी आज जरूरतों को, तू कष्टों को प्रभु दूर कर और पूरा कर मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस यस यस। जिस प्रकार हन्ना ने प्रभु जी ओ रो रो कर पश्चाताप किया, गिड़गड़ाया प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में, उन्होंने सारी बातों को रख दिया और उन्होंने जो है आज प्रभु से कहा, अंगीकार किया, प्रभु से पश्चाताप किया, प्रभु
से माफी मांगा प्रभु से, जो है उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, आज तेरे दयालु हाथों को बढ़ाकर, आज तेरे सामर्थी हाथों को बढ़ाकर, आज तेरे परमेश्वर जो है चंगाई के हाथों को बढ़ाकर मेरे परमेश्वर छू ले पिता, मेरे परमेश्वर आज टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, यस 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 यस, ओ ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन महान परमेश्वर आज तेरी वचन के सामर्थ्य के द्वारा आज अद्भुत और अद्भुत रीति से प्रभु बड़े बड़े चमत्कार होने लगे प्रभु जी। अंधकार के सारे शक्तियां मिटने पाए, ओ अंधकार के सारे शक्तियां मिटने पाए, कोई भी बेटा बेटी आज डरे नहीं, आज कोई भी बेटा बेटी घबराए नहीं, आज वो स्वर्ग के हाथों को बढ़ाकर आज तू चंगाई दे मेरे प्रभु। आज जो तड़प रहे पिता, रो रहे, गिड़गड़ा रहे प्रभु, पश्चाताप कर रहे प्रभु, उनके जीवन प्रभु, उनके परिवार में पिता मेरे प्रभु आज सारे बंधन आज यीशु मसीह के नाम से छूटने पाए। ओ आज प्रभु जी हर एक जन रोना छोड़ दे और प्रभु से प्रार्थना करना स्टार्ट करे, आज प्रभु से मांगना स्टार्ट करे, प्रभु से बातें करना स्टार्ट करे, प्रभु के सम्मुख में आज सारी चिंताओं को, सारे दुखों को, सारे आज बातों को प्रभु यीशु मसीह आज इनके जीवन से तू दूर कर पिता, इनके परिवार से दूर कर पिता, इनके सारे परिस्थितियां आज यीशु मसीह के नाम से हट जाए प्रभु, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रिय भले आज दुख में समस्या में है, ओ भले आज के दिन मेरे प्रभु आपका जीवन दुख भरा गुजरा है, ओ दुख से भरा हुआ लदा हुआ गुजरा है, लेकिन आज यीशु मसीह कह रहा है कि बेटा आज के शाम के बेला में तेरे जीवन में किसी प्रकार के कोई दुख नहीं रहेगा, ओ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगा, ओ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगा, वो सारी परेशानियां, वो सारी दिक्कत, वो सारे प्रॉब्लम आज मसीह यीशु के नाम से जड़ से उखड़कर बाहर हट जाएगा। ओ तेरे जिंदगी में रोग बीमारी नहीं रहेगा, ओ तेरे परिवार में रोग बीमारी नहीं रहेगा, ओ तेरे घर में रोग बीमारी नहीं रहेगा। आज सचमुच में उस अंधकार की शक्ति से, उन अंधकार की ताकतों से, अंधकार की बातों से प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे छुड़ाने जा रहा हूँ, मैं तुझे बचाने जा रहा हूँ, मैं तुझे आज अनंत जीवन देने जा रहा हूँ, शांति और आनंद देने जा रहा हूँ, खुशियों से भर देने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, री बा 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 री खांदा रामा, यस 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 यस। ओ पवित्र आत्मा बदल पिता, पवित्र आत्मा छू ले प्रभु, पवित्र आत्मा टच कर, पवित्र आत्मा टच कर, इंद्रम ऑफ जीसस, इंद्रम ऑफ जीसस, मसीह यीशु दया कर, मसीह दया कर, अंधकार की सारी शक्तियों को मिटा प्रभु, अंधकार की सारी शक्तियों को दूर कर, और आज एक एक बेटा बेटी प्रभु जी अपने भवन में, प्रभु आज अपने घर में पिता वो सचमुच में तेरी ओर से उस चंगाई को देखने पाए, ओ तेरी ओर से उस चंगाई को देखने पाए, और अद्भुत रीति से प्रभु वो स्वर्ग से प्रभु उनके लिए आशीष और बरकत उतरने पाए प्रभु जी, वो स्वर्ग से शांति और आनंद मिलने पाए पिता। मैं चाहता हूँ कि आपने उनको दे दिए प्रभु जी, और घर में प्रभु उनके परिवार में, प्रभु उनके आज जीवन पिता वो सचमुच में दुख में, कष्ट में, मुसीबत, चिंता में ना रहने पाए, लेकिन प्रभु आज वो प्रार्थना के माध्यम से, लेकिन प्रभु आज प्रार्थना के माध्यम से उनके जीवन में, उनके परिवार में वो सारे अंधकार की शक्तियां वो बड़े अद्भुत रीति से बदल जाए प्रभु जी। हे परमेश्वर, आज मैं चाहता हूँ उनके घर में जीवन मिलने पाए, ओ मैं चाहता हूँ उनके घर में आज उन्नति आने पाए, ओ मैं चाहता हूँ उनके घर में आज परिस्थिति बदल जाए। हे परमेश्वर तू छू ले पिता, हे परमेश्वर तू टच कर, हे परमेश्वर जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, अंधकार की शक्तियों को मिटा मेरे प्रभु, और हर एक भाई बहन को, हर एक बेटा बेटे को ज्योति में लेकर चल परमेश्वर। अंधकार का साया, अंधकार की शक्तियां आज यीशु के लहू में जड़ से उखड़कर बाहर रखने पाए, ओ यीशु के लहू में जड़ से उखड़कर बाहर रखने पाए। परमेश्वर की बेटी है वो, परमेश्वर का जन है, इसलिए आज प्रभु कह रहा है कि अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, ओ अपने सारी दिक्कतों को डाल दो, क्योंकि जो यहो पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान होते हैं। एक बात आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियजनों, हमारा परमेश्वर ना तो यह ना तो सोता है ना तो ऊंघता है, लेकिन वो हर वक्त जागता रहता है, और आपकी प्रार्थना को, आपकी दुआ को, आपके मेरे प्रियो कष्टों को, आपकी मुसीबतों को वो परमेश्वर दूर करने के लिए तैयार है। आज बिल्कुल भी डरना नहीं, आज बिल्कुल भी घबराना नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके करीब में है, परमेश्वर आपके हर कष्टों को, हर मुसीबतों को, हर जरूरतों को आज यीशु मसीह तेरी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देगा, वो निकाल कर बाहर फेंक देगा। तेरी जिंदगी में आज कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, वो तेरी जिंदगी में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, वो सब परेशानियों को, वो सब दुखों को, वो सब कष्टों को आज यीशु पापा दूर करने जा रहा है, और तेरी जिंदगी में भले ही आज दुख भरे जीवन बीत रहे हैं, और दुख भरे आज समस्या भरे आप जीवन में आज चल रहे हैं, लेकिन आज खुदा परमेश्वर आज आपके कह रहे चैलेंज के साथ चेतावनी दे रहा है कि आज तू निश्चय ही तू प्रभु से अंगीकार करेगा, प्रभु से प्रार्थना करेगा, तो तू उद्धार पाएगा, तू चंगाई को पाएगा, तू सारी बातों को रखेगा, प्रार्थना के माध्यम से आज सब कुछ मेरे प्रभु बदल जाएगा, और तुम उन्नति पाओगे, ठीक हो जाओगे,
जीवन पाओगे, आशीष पाओगे, शांति पाओगे। तुम्हारे घर में मेरे प्रभु किसी प्रकार की रोग बीमारी नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर के नाम से आज आशीष और बरकत पाओगे। और हर प्रकार के कष्टों से, हर प्रकार की बुरी बातों से, हर प्रकार की बुरी समस्याओं से आज प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने जा रहा है और तुझे नया जीवन देगा, शांति देगा, आनंद देगा, खुशियों से भर देगा। और ये 5 मिनट की प्रार्थना के द्वारा आप हो सकते हैं उस दलदल के महामारी से, बीमारी से आप निकल कर बाहर आ सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रेमी परमेश्वर कि आपने हर एक बेटा बेटियों को, हर एक भाई बहनों को, हर एक प्रभु जी उन विश्वासियों को प्रभु आपने चंगा किया, प्रभु छुटकारा दिया, प्रभु उसके हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और ये प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन।